इस फिल्म की शुरुआत में हमें 1977 का वक्त दिखाया जाता है। हम जर्मनी में पेट्रिशिया नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरी और घबराई हुई दिख रही होती है। इसी वजह से वो अपनी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास आई होती है। वो उस डॉक्टर को राब्ता करती है कि वो जहाँ पर डांस सीखती है वहाँ पर मौजूद सारी लेडीज विच हैं। उन विचेस ने उसकी आईज और उसके हेयर्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसके जरिए वो विच हर वक्त उसी के करीब रहती हैं। इसके साथ ही वो बताती हैं कि उन सब विचेस में एक ओल्ड विच भी है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है। इसी वजह से वो पावरफुल विच पेट्रिशिया की बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। इसके साथ ही वो राब्ता करती हैं कि अगर वो उस प्लेस पर वापस न गई तो वो विचेस उसकी जगह उसकी फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस कर देगी। इसी वजह से उसे अपने फ्रेंड्स को वार्न करने के लिए उस प्लेस पर जाना होगा। इसी वजह से वो भागकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद सीन यहां से कट होकर शूजी नाम की लेडी पर शिफ्ट हो जाता है। वो लेडी भी एक डांस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती थी, इसी वजह से वो एक बेहतरीन डांस एकेडमी में अपना ऑडिशन देने जाती है। असल में ये वही प्लेस होती है जहां पर पेट्रिशिया नाम की लेडी डांस सीखा करती थी। खैर, बाकी कंटेस्टेंट की तरह शूजी भी जब डांस करना शुरू करती है, लेकिन उसका डांस देखकर सभी का ध्यान उसी की तरफ ही शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से शूजी ने डांस किया था उस डांस को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा दंग रह गए थे, क्योंकि शूजी ने जिस तरह से डांस किया होता है वो डांस किसी भी न्यू कॉमर्स के बस का नहीं था। ऑडिशन देने के बाद शूजी को इस डांस एकेडमी में एडमिशन दे दिया जाता है उसके अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसके बाद शूजी को रहने के लिए उस रूम दिया जाता है जहां पर पहले पेट्रिशिया रहा करती थी। नेक्स्ट डे सारे लोग टेबल पर मील ले रहे होते हैं, तब हमें उनकी बातों से किसी रिचुअल के बारे में पता लगता है, जिस रिचुअल को पूरा कर पाने में पेट्रिशिया फेल हो गई थी। खैर, इसके साथ ही उन लोगों में और भी काफी सारी कॉन्वर्सेशन होने लगती है। नेक्स्ट डे शूजी बाकी डांसर्स के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तब वहां पर पेट्रिशिया की फ्रेंड आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि इतने वक्त बावजूद भी उसे अपनी फ्रेंड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। इसी वजह से वो वहां पर मौजूद सारी लेडीज को उल्टा सीधा बोलकर डांस एकेडमी को लीव करके वहां से जाने लगती है। उसके वहां से जाते ही सारी डांसर्स वापस से प्रैक्टिस में लग जाती हैं। इसी वजह से जब शूजी भी डांस शुरू करने वाली थी, तब ब्लैंक उसके हाथों को काफी अजीब तरीके से पकड़ती है, मानो वो उस पर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही हो। खैर, इसके बाद शूजी डांस करना शुरू कर देती है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए सारे लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कम एज में इतना अच्छा डांस मूव को सीखना नामुमकिन था। उसी दौरान डांस एकेडमी छोड़कर जा रही उस लेडी के साथ काफी अजीब चीजें पेश आने लगती हैं, क्योंकि शूजी के हर एक मूव के साथ उस लेडी की बोन्स ब्रेक होती जा रही थी, जिसमें उस लेडी को काफी ज्यादा पेन भी हो रही होती है। बाद में जब शूजी का डांस खत्म होता है, तब तक वो लेडी बहुत ही बुरी तरह मारी जा चुकी थी। कुछ देर बाद विचेस आती है जो कि उस लेडी की बॉडी को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है। इधर उस डॉक्टर को पेट्रिशिया की डायरी मिलती है जिसमें उसने काफी अजीब बातें लिखी हुई थी, जैसे कि डांस एकेडमी में 3 पावरफुल मदर विचेस का जिक्र होना, इसके अलावा भी काफी कुछ। इधर शूजी की फ्रेंडशिप वहां पर मौजूद एक डांसर सारा से हो जाती है। शूजी सारा को बताती है कि उस दिन पेट्रिशिया की फ्रेंड अजीब हरकतें करके एकेडमी से बाहर चली गई थी और तब से उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। इसी वजह से वो दोनों एकेडमी में उस लेडी के बारे में सर्च करने लगती हैं, ताकि उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। नेक्स्ट डे शूजी अपना डांस परफॉर्म कर रही थी, तब सडनली उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन देखने पर उसे आसपास कोई भी ऐसा शख्स उसे नजर नहीं आता है जिस पर वो शक कर सके। वही टनल में हम एक विच को भी नोटिस कर पाते हैं, जो कि उन सब में काफी ज्यादा ओल्ड और पावरफुल थी, जो कि कंटिन्यूसली उसे ही देख रही थी। इसका मतलब वाकई ही शूजी को कोई देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि यही विच थी। वो विच काफी ज्यादा ओल्ड थी, यही वजह होती है कि वो शूजी की बॉडी को कंट्रोल करके उस पर कब्जा करना चाहती थी। उस ओल्ड विच के इंटेंशंस के बारे में ब्लैंक को भी पता लग जाता है,
क्योंकि वो भी एक विच ही थी। नेक्स्ट डे ब्लैंक शूजी को एक अलग तरह का डांस मूव करने का कहती है, लेकिन अब क्योंकि शूजी उस डांस मूव को अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से ब्लैंक दूसरी डांसर को बुलाकर वो मूव करने का कहती है। इसी वजह से वो लेडी उस डांस मूव को करने लगती है। इस दौरान ब्लैंक उस लेडी को काफी अजीब तरीके से देख रही थी, जिसके बाद ब्लैंक शूजी को इस तरीके से देखने लगती है कि मानो वो उस डांस मूव को अपनी पावर्स के चलते उसके जहन में डाल रही है। इसके बाद जब शूजी डांस स्टार्ट करती है, तब सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उस मूव को काफी परफेक्टली तरीके से कर रही होती है। इधर डॉक्टर उस एकेडमी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां जाने पर भी उसे ज्यादा कुछ पता नहीं लगता है। इसी वजह से वो सारा से राब्ता करते हैं और वो उसे पेट्रिशिया की डायरी दिखाते हैं। इन सबके दौरान ही वो ये भी राब्ता करते हैं कि डांस अकेडमी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है। इधर सारी विच बैठकर मील ले रही होती हैं, तब उसी दौरान ही एक विच नाइफ से स्टैप करके खुद को मार डालती हैं, क्योंकि वो लेडी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। इधर सारा डॉक्टर की बातों को सुनकर डांस अकेडमी में तहकीकात करने लगती है। इसी दौरान उसे डोर के दूसरे साइड से काफी अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी वजह से वो अंदर जाती है, जहां पर उसे काफी सारी अजीब चीजें मिलती है। तब सारा प्रूफ के लिए वहां से किसी चीज को लेकर निकल जाती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर सारा को पेट्रिशिया की डायरी में लिखी हुई तीन मदर्स के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि काफी वक्त पहले तीन सिस्टर्स एक साथ मिलकर रहा करती थी। वो तीनों लेडीज जहां पर भी जाती थी, वहां पर जाने से अचानक से ही काफी सारे लोग मरना शुरू हो जाते थे। इसके साथ ही वो बताते हैं कि उन तीनों लेडीज ने पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर काफी सारी दौलत और शोहरत भी कमाई होती है। बाद में यही तीनों लेडीज मदर विचेस बन गई, जिनके नाम अलग अलग थे। पहली विच मदर सस्पीरिया और दूसरी मदर टेनेब्रारम, लास्ट और आखिरी विच मदर ऑफ टीयर्स। और एसिडमी में हमने जो मदर विच देखी थी वो मदर सस्पीरिया थी। सारी बातें राबता होने के बाद सारा काफी ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे सारी विचेस रेडी हो रही होती है, क्योंकि आज उनका स्टेज पर परफॉर्म था। उनके इस परफॉर्म को देखने के लिए वहां पर डॉक्टर भी मौजूद होता है। इन सब में हम सारा को नोटिस करते हैं, जो कि वापस से उसी प्लेस पर जाती है, क्योंकि वो अब भी यही जानना चाहती थी कि यहाँ से निकलने के बाद पेट्रिशिया अचानक से कहाँ गायब हो गई। तब उसे वहां पर एक शॉकिंग चीज दिखाई देती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि पेट्रिशिया की ही डेड बॉडी थी, जिसे देखकर सारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से भागने लगती है। तब दौरान में ही वो सडनली गिर जाती है, जिस वजह से उसका पैर ब्रेक हो जाता है। तब कुछ विच वहां पर आकर उसे हिप्नोटाइज कर देती हैं, जिसके बाद जब वो अपने सेंसेस में आती हैं, तब उसका पैर ठीक हो चुका होता है, जिसके बाद सारा शूजी और बाकी विचेस उस डांस यानी रिचुअल्स को स्टार्ट कर देती हैं। उन डांसर्स को देखकर लग रहा होता है कि मानो सारा और शूजी को किसी ने कंट्रोल किया हुआ हो, लेकिन इससे पहले कि रिचुअल कंप्लीट हो पाता, उससे पहले ही सारा की पैर वापस से ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से सब लोगों को अपनी परफॉर्मेंस वहीं पर ही रोकनी पड़ती है। बाद में ब्लैंक उनके पास आती है और वो उन्हें राबता करती है कि नेक्स्ट नाइट को उन्हें दोबारा से परफॉर्म करना होगा। ब्लैंक उन लोगों को ये बात काफी फोर्स करके कहती है, क्योंकि वो रिचुअल ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला था। नेक्स्ट नाइट को जब डॉक्टर जब डांस अकेडमी के पास से गुजर रहे होते हैं, तब उसे उसकी वाइफ नजर आती है। इसी वजह से वो डांस अकेडमी के करीब चले जाते हैं और वो अपनी वाइफ को दोबारा से अलाइव देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ काफी वक्त पहले ही हो गई थी। उसी दौरान विचेस डॉक्टर को पकड़कर अकेडमी में ले आती हैं, क्योंकि रिचुअल के दौरान विच को एक विटनेस की जरूरत होती है और वो विटनेस उन्होंने डॉक्टर को ही बनाया होता है, जिसके बाद रिचुअल को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके साथ ही मदर सस्पीरिया वहां पर आ जाती है, क्योंकि वो ही इस रिचुअल के जरिए खुद को शूजी की बॉडी में शिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि शूजी की बॉडी उन्हें परफेक्ट लगी थी। लेकिन जब मदर सस्पीरिया शूजी की बॉडी पर कब्जा करने वाली होती है, तब यहाँ पर रियलिटी सबको रिवील होती है कि असल में शूजी कोई और नहीं बल्कि वो तो रियल मदर सस्पीरियम है, जबकि मार्कोस सिर्फ एक पावरफुल थी
जो कि छोटी विचेस को हुक्म दिया करती थी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मदर विच को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से वो मदर विच को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, जिसके चंद पलों बाद ही मदर सस्पीरिया अपने गार्ड को हुक्म देकर उस विच और बाकी विचेस को मरवा डालती है, जिसके बाद वो अपने चेस्ट को भी फाड़कर अपने रियल वाले रूप में आ जाती है, यानी मदर सस्पीरिया के रूप में। और इसी के साथ ही वो डॉक्टर और बाकी विचेस की मेमोरी भी एरेज कर देती है, से किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है। और यही पर मूवी एंड हो जाती है।